अपना फोन दिखाओ मुझे, अपना फोन दिखाओ मुझे। माहिर कौन है? कौन है ये? मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। कॉल रिसीव करो, स्पीकर पर लगाओ, मुझे सुननी है। हेलो हेलो रमशा, रमशा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। रमशा क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर पहले से शादीशुदा है? उसकी तुमसे दूसरी शादी करवाई है। मुझे समझ में आया, मुझे फंसा कर तुम्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी। सकलेन भाई ने धोखा दिया है, उनकी प्लानिंग थी कि हम दोनों घर से भाग जाए। तुम याद है ना वो खत मैंने तुम्हें नहीं लिखा था। तुम्हें बदनाम करके सारे का सारा इल्जाम उन्होंने मुझ पर डाल दिया। रमशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रमशा देखो प्लीज, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ हर मुश्किल में। तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हें काटती हैं। ये किसी हतुए में ना तो ये है माहिर, तुम्हारा पुराना आशिक। इसकी वजह से तुम रोती रहती हो हर वक्त, जिसकी वजह से तुम घर से भागी थी और अब फिर से भागने की प्लानिंग कर रही हो मुझसे छुपके। हाँ छोड़े मेरा, आप पहले से शादीशुदा हैं, झूठ बोला ना आपने मुझसे। तुम भी तो धोखा दे रही थी मुझे। कोई धोखा नहीं दे रही मैं आपको, इंतहाई घटिया इंसान है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। जबान चलाओगी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। साजदा, इस्माइल, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना। जी साहब जी। यस सर। किसी को घर के अंदर आने मत देना बगैर मेरी इजाजत के। कोई भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करे तो गोली मार देना उसे, बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। ताला लगा दो रमशा के कमरे को, किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं आने देना। अगर खाना वगैरह देना है तो अंदर जाके उसे दे देना, फिर दरवाजा बंद कर देना, समझी? जी साहब, ऐसे ही होगा। साहब आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं जा रहा मैं। देखता हूं कौन आता है यहां, मसीहा बनकर इसे बचा जाने। ये भेद खुलते से क्या कहीं सकते ना, तो नहीं पता है। नहीं, वो तो खुद मुझे मना कर रहा था।